साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन, मौसम बदलने के साथ साथ कोरोना के ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों को अलर्ट कर दिया है और कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार के आदेश पर मास्क न लगाने पर 100 रुपए का फाइन सीधा 500 रुपए का कर दिया है, लेकिन आदेश का पालन कराने में जिला प्रशासन पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। मुरादाबाद के कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मंगलवार के साप्ताहिक बाजार में जमकर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा। मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मंगलवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, लेकिन कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर लगे साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा है। आपको वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे सकता है कि मार्केट में किस तरीके से ग्राहक एक के ऊपर एक सवार हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोविड-19 से लोगों को बचाया जाए, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। उसके बावजूद भी मुरादाबाद पुलिस इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। बाजार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के ऊपर एक ग्राहक सवार है और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा है। जिलाधिकारी ने एक दिन पहले सभी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वह लोग ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें जो लोग बगैर मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए, लेकिन कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर इतने बड़े साप्ताहिक बाजार में भीड़ का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं मुरादाबाद पुलिस प्रशासन के सतर्कता पर सवाल उठाता है। आखिर इतनी भीड़ कोतवाली के बराबर में कटी हुई कैसे है? लापरवाही का ऐसा ही नज़ारा जनपद में जिला अस्पताल के बाहर और जनपद के पोश इलाके सिविल लाइन में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर खुद अधिकारियों के कार्यालय हैं, वहां भी यही स्थिति है। दिल्ली में कोरोना के मरीज इजाफा हुआ है, तो इसके लेकर आप मुरादाबाद में क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, दिल्ली में कोरोना से बहुत डेथ हो रही है, उससे हम लोग बहुत आशंकित हैं और हमने रोडवेज पे और रेलवे स्टेशन पे दिल्ली से आने वाले लोगों की चेकिंग स्टार्ट कर दी है और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो स्टेशनों पर अपना सैंपल दें और जो सैंपल वहाँ नहीं दे जाते हैं वो स्थानीय स्तर पर सूचित कर सैंपल देने की व्यवस्था। सर, जैसा कि डीएम साहब ने कल एक बैठक ली थी, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए थे? ये सभी के लिए जरूरी है कि जो सरकार के द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, क्योंकि बीते जो कुछ दिन गए हैं जिसमें त्योहारों के दृष्टिगत जो लोगों में इंटरमिक्सिंग ज़्यादा हुई, उसकी वजह से आसपास के राज्यों में और क्षेत्रों में कोविड संक्रमण से जो केस आए हैं उनकी बढ़ोतरी है। साथ ही इसके दृष्टिगत हमें ज़रूरी है कि जो हमें दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करें। इस दृष्टिगत में पुलिस द्वारा सघन मास्क चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जो भी मास्क नहीं पहन रहा या उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शादी ब्याह जैसे अवसरों में जो गाइडलाइंस के अनुसार जो 100 व्यक्तियों की सीमा की गई है उसका भी अनुपालन कराया जा रहा है। सभी नगरवासियों देशवासियों से आग्रह है कि अपनी सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करें।